सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस एक्टर रजनीश पाठक का दिल से प्रणाम, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर अमित जी का, धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर राम जी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हीरो आनंद जी, और साथ में धन्यवाद आपको भी कहना चाहूँ, क्योंकि हमसे सवाल पूछने वाले भी राम जी ही, ये हमारा सौभाग्य है। और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, डेंजरस ऑफ भगवतपुर। हमने काफ़ी फिल्में की, हमारी फिल्म आप सत्याग्रह काफ़ी अदालत हर स्टार के साथ में किया हूँ, बट ये फिल्म हमारे लिए कुछ डिफरेंट कैरेक्टर, और उसमें ये जो टोपी के बारे में राम जी ने पूछा ना, इस टोपी में बहुत बड़ा राज है, उस राज के मालिक यही है अमित राय, और अब टोपी हमको तो पहना दिए हैं, अब इसको झेलना और संभालना हमारी जिम्मेदारी है। और इस फिल्म में आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे और दर्शक को भी काफ़ी आनंद आएगा। और बाकी ये है, अब अमित जी से कुछ आ गए ना बताने वाले बाबू, हाँ अब हमारे सर जी बताएंगे इनके बारे में। ये हमारे फिल्म के राइटर हैं कुमार आसानंद जी, और जो लीड पे काम कर रहे हैं आनंद मिश्रा जी के साथ में, ये भी लीड पे हैं। तीन भाई की कहानी है, दूसरे भाई आ गए हैं, तो कुछ अपने बारे में गुनगुनाना अपना नाम और अपना परिचय। मेरा नाम है कुमार आसानंद, और मैंने ये मूवी लिखी है भरपुर। तो ये मूवी एक कहानी है, एक गांव की कहानी है, वहाँ पे करप्शन को लेकर कहानी है। रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी में गैंग ऑफ वासेपुर जैसे दूसरी पैटर्न पे है, कुछ अलग है, सब हटके है, थोड़ा हटके है, थोड़ी गलती भी है। तो इसमें करप्शन पे है, भ्रष्ट नेताओं पे और पुलिस और गुंडे, जो भी जितना करप्शन होता है ना सर, हम उस पर है मूवी। इसमें आप राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं। कोई एक्टर क्या रोल निभा रहा है? कोई एक्टर का। तो उसके लिए क्या कुछ अलग से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हीरो बहुत स्ट्रांग है और आपका जो राइटर? और उससे पहले मैं क्लासेस करता हूँ और भी तैयारी करनी है। ऑडियंस क्या कहना चाहिए इस मूवी को लेकर, अपने किरदार? ऑडियंस इस मूवी को लेकर यह कहना चाहेगी कि उसे एक सीख मिलती है कि हमको किस तरह सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए, और जो भ्रष्ट नेता है उनके खिलाफ कितनी चालें चलनी है वो उनको सीख मिलेगा, और कैसे छुटकारा पाया जाता है वो भी है। कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब राम जी हमारे साथ थे, और हमारे स्टार आनंद जी हमारे तो बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसी में मैं जीता हूँ। मैं सबके लिए, अपने टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए, आप सबके लिए, सबके लिए मैं दिल से दो लाइन कहना चाहूँगा। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, ये जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती जिंदगी बर्बाद नहीं होती, और कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना हमारा जो भी आपको आपको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद दीजिए, हमारा जो भी ऐसे ही बनी रहे और हम एक एक से ड्रामा आपके सामने करते रहें, जिससे हर लोगों का दिल खुश हो। इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। और
और मैं अनुजा जी हिंदी और भोजपुरी को मैं जानता हूँ, जो मेरे काम से अनुपराज जी खुश होगा, उनसे मैं नाम करता हूँ। आपको धन्यवाद।